हैदराबाद से मुकाबले से पहले आईपीएल में धोनी के करोड़ों फैंस के लिए आई बुरी खबर। रद्द हो सकता है चेन्नई और हैदराबाद का मुकाबला। आखिर किस बात का सताया डर? मैच मौसम नहीं बल्कि इस कारण हो सकता है रद्द। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आईपीएल 2024 का 18वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज यानी 5 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से होगा। इस मैच से पहले एक खबर ने फैंस की टेंशन बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि मुकाबला कैंसिल हो सकता है। इससे करोड़ों फैंस जो इस मुकाबले के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहे थे उन्हें भी करारा झटका लग सकता है। अगर ये मुकाबला कैंसिल होता है फिर इसे कब कराया जाएगा इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई। चलिए आपको बताते हैं इस मुकाबले पर कैंसिल होने का खतरा क्यों मंडरा रहा है। आपको बता दें कि राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में बिजली की काफी दिक्कत हो रही है। इस स्टेडियम पर 1,67,00,000 रुपए का बिजली का बिल बकाया है जिसे अभी तक जमा नहीं किया गया। इस कारण से बिजली कंपनी तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने स्टेडियम की बत्ती गुल कर दी थी। बिजली कंपनी की ओर से बकाया शुल्क के भुगतान के लिए 20 फरवरी को एक नोटिस भेजा गया था। कंपनी की ओर से चेतावनी दी गई थी कि 15 दिनों के भीतर बकाया शुल्क जमा कराया जाए, लेकिन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने मामले में कोई कदम नहीं उठाया। इस कारण से समस्या उत्पन्न हुई है। अब ये मामला इतना अधिक बढ़ गया कि इस मैच के कैंसिल होने तक की बात हो रही है। हालांकि देर शाम जब दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही थी इस दौरान रोशनी की दिक्कत नहीं हुई। ऐसे में उम्मीद है कि आज भी लाइट की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस पर साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। एक अधिकारी ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को सही तरीके से सुलझाने में सफल रहेंगे ताकि चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई अहम मैचों से पहले कंपनी की ओर से इस तरह की कार्रवाई की गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस घटना का अंजाम क्या होगा। क्या बिजली बिल का भुगतान नहीं करने के कारण कंपनी की ओर से मैच के दौरान बाधा डाली जाएगी या फिर क्रिकेट बोर्ड समय रहते इस मामले को सुलझा लेगा। हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। शुक्रवार दोनों के बीच ये मुकाबला होगा जो कि राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर सनराइजर्स ने मुंबई के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया था। चेन्नई सुपर किंग्स फॉर्म में चल रहे तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के बिना उतरेंगे। इसके चलते चेन्नई को उनके रिप्लेसमेंट भी खोजना होगा। वहीं हैदराबाद की टीम अपना दिन होने पर किसी भी आक्रमण की बखिया उधेड़ने में सक्षम है। दिल्ली कैपिटल्स से पिछले मैच में हार झेलने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत की राह पर लौटने उतरेगी। हैदराबाद ने भी अपना पिछला मुकाबला गंवाया है। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो चेन्नई का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट में अब तक 19 बार भिड़ंत हुई। इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 मैच जीते। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 5 मैच ही जीत सकी। ऐसे में सनराइजर्स के लिए चेन्नई को हराना जरा भी आसान नहीं होने वाला। इस दौरान सनराइजर्स और सीएसके को 2-2 मैचों में जीत मिली है और 2-2 मैचों में उसे हार देखनी पड़ी है। चेन्नई ने हैदराबाद के मैदान पर पहले बल्लेबाज करते हुए मैच जीता है। दूसरी ओर हैदराबाद ने भी अपने होम ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों मुकाबले में फतेह हासिल की है। अब देखना होगा दोनों टीमों के बीच मुकाबला कैसा होता है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।